नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉल्टर मॉनिटरिंग के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या है, इसके द्वारा क्या उपयोग लिया जाता है और यह टॉपिक एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। हॉल्टर मॉनिटरिंग, इट इज अ नॉन इन्वेंसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट। हॉल्टर मॉनिटरिंग एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों में क्या फर्क है? इन्वेसिव टेस्ट ऐसे टेस्ट होते हैं जिन्हें परफॉर्म करने के लिए किसी इक्विपमेंट को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करना होता है, जबकि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर या डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसे प्रोसीजर या टेस्ट होते हैं जिसमें किसी भी इक्विपमेंट को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपको किसी पर्सन का ईसीजी लेना है, ईसीजी लेने के लिए हम ईसीजी इलेक्ट्रोड्स को पर्सन के चेस्ट पर आउटरली अटैच करके रीडिंग्स लेते हैं, तो ईसीजी एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। उसी प्रकार से हॉल्टर मॉनिटरिंग भी एक नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्यों की जाती है, क्या इसका पर्पस है? हॉल्टर मॉनिटरिंग का इस्तेमाल टू डायग्नोस डिसरिथमियास। हॉल्टर मॉनिटरिंग की सहायता से हम डिसरिथमियास को मॉनिटर करते हैं। डिसरिथमियास क्या है? हार्ट के अंदर रेगुलर रिदम्स चलती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अगर हार्ट में किसी वजह से, किसी भी कारण से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस प्रोसेस में फर्क आ जाए, कॉन्ट्रैक्शन तेजी से हो, रिलैक्सेशन कम हो पाए, इस तरह से कोई भी एबनॉर्मल इनके रिदम में, साइकिल में चेंज आ जाए, तो इस कंडीशन को हम डिसरिथमियास कहते हैं, उनकी रिदम का बदल जाना। सो हार्ट में किसी भी प्रकार के डिसरिथमियास को डायग्नोस करने के लिए हॉल्टर मॉनिटरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। हॉल्टर मॉनिटरिंग ऑल्सो हेल्प्स इन इवेल्युएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एंटी डिसरिथमिक्स एंड पेसमेकर थेरेपी। यदि किसी पर्सन के अंदर डिसरिथमियास कंडीशन मौजूद है और उसका एंटी डिसरिथमिक मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो ट्रीटमेंट या थेरेपी कितनी इफेक्टिव है या नहीं है, इस चीज की मॉनिटरिंग भी हम हॉल्टर मॉनिटरिंग की सहायता से कर सकते हैं। पेसमेकर थेरेपी की इफेक्टिवनेस का भी पता हॉल्टर मॉनिटरिंग से चल जाता है। पेसमेकर थेरेपी जनरली जिन पर्सन के अंदर ब्रैडीकार्डिया कंडीशंस ज्यादा पाई जाती है, उसे ट्रीट करने के लिए दी जाती है। हॉल्टर मॉनिटरिंग किस प्रकार की जाती है, आइए इसके प्रोसेस के बारे में जानते हैं। क्लाइंट वियर्स अ मॉनिटर एंड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ट्रेसिंग रिकॉर्डेड कंटिन्यूअसली फॉर 24 आवर्स और मोर देन 24 आवर्स while client perform activities of daily living। हॉल्टर मॉनिटरिंग के लिए पर्सन को या क्लाइंट को हॉल्टर मॉनिटर पहना दिया जाता है और ये हॉल्टर मॉनिटर क्लाइंट की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्डिंग करता रहता है 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए, और क्लाइंट उस दौरान उसके डेली लिविंग की जो भी एक्टिविटीज हैं परफॉर्म करता रहता है। सिंपल हम कहें तो यदि किसी पर्सन की हार्ट की मॉनिटरिंग या ईसीजी 24 घंटे या 24 घंटे से ज्यादा समय तक के लिए करनी है, तो उसे हॉल्टर मॉनिटरिंग कहा जाता है। इसमें हम पर्सन को हॉल्टर मॉनिटर पहना देते हैं और पर्सन अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग परफॉर्म करता रहता है और उसकी हार्ट की सारी एक्टिविटीज इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में मॉनिटर अपने अंदर स्टोर करता रहता है, जिसे इवेल्युएट करके हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन की हार्ट की एक्चुअल कंडीशन क्या है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। पॉइंट नंबर वन, अवॉइड टब बाथ और शावर ड्यूरिंग हॉल्टर मॉनिटरिंग बिकॉज इट मे इफेक्ट डिवाइस। जब भी पर्सन की हॉल्टर मॉनिटरिंग की जा रही है तो उस पर्सन को टब बाथ और शावर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके कारण इलेक्ट्रिक एक्टिविटी रिकॉर्डिंग डिवाइस की जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो प्रभावित हो सकती है, रिकॉर्डिंग में फर्क आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू डॉक्यूमेंट एनी एबनॉर्मेलिटी और सिम्टम्स रिलेटेड विद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ट्रेसिंग व्हाइल डूइंग नॉर्मल डेली एक्टिविटीज। क्लाइंट को उसकी जो रेगुलर नॉर्मल डेली एक्टिविटीज हैं करने के लिए आप कह सकते हैं, और उसे ये भी समझाना चाहिए कि जब आप डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक ट्रेसिंग एक्टिविटी एबनॉर्मल लगे या एबनॉर्मल सिम्टम्स महसूस हो, डिसएरिथमियाज महसूस हो, तो उसे आप तुरंत लिख लें, डॉक्यूमेंटेड कर लें, अपने साथ एक डायरी रखें, जिससे कि बाद में फिजिशियन की एडवाइस लेकर ट्रीटमेंट में बदलाव किए जा सके। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अबाउट हॉल्टर मॉनिटरिंग। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। एम्स नॉर्सेट एग्जाम 2021 के लिए रेगुलरली हम इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। आप चाहें तो इस चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।